बारिश की वजह से अन्ना कॉलोनी इलाके में एक एक कर घर जो है वो नाले में गिरने लगे। नाले के पानी के तेज भाव की चपेट में आए ये घर अचानक नाले में समा गए। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली के मिंटो रोड की है, जहां पर छोटा टेम्पो उस पानी में डूब गया और हादसे में टेम्पो के ड्राइवर की मौत हो गई। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से नाले में ये मकान बताए जा रहे हैं जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है। 10 मकान जो हैं वो नाले के साथ बहते नजर आए हैं। वहीं मिंटो रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पानी भर चुका है। एक बस जो है वो पानी में आधी से ज़्यादा डूब गई और एक हादसा भी वहाँ पर हुआ। एक टेम्पो ड्राइवर की डूब कर मौत की खबर भी मिंटो रोड से सामने आई है। तो दिल्ली में जल प्रलय सी स्थिति दिखने लग गई है। 2 घंटे में पूरी की पूरी दिल्ली जो है वो डूबी सी नजर आ रही है। तो दिल्ली में 2 घंटे की बारिश हुई और बारिश के बाद आलम क्या है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। किस तरीके से नाले में उफान आने के बाद वहां पर पानी का बहाव देखिए आप कितना तेज, और इस बहाव के साथ जो मकान थे वो बहते हुए नजर आए हैं। 10 मकान बताए जा रहे हैं, हालांकि जो लोग इसमें रहते थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वही दिल्ली के ITO इलाके में भारी बारिश के बाद अन्ना कॉलोनी इलाके में कहर बन चुका है। अचानक ITO के पास नाले में तेज बहाव शुरू हो गया और उसकी वजह से नाले के पास बसी अन्ना कॉलोनी के घर एक एक कर नाले में गिरने लगे। नाले के पानी के तेज बहाव की चपेट में आए ये घर अचानक नाले में समा गए। दीपक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, कोई जानकारी मिल पाई है कि ये जो घर में कितने लोग रहते थे और क्या जो लोग रहते थे वो सभी सुरक्षित हैं? देखिए अर्पिता, जो ये घर गिरता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें लगभग 15 लोग रहते थे और उसके मालिक से हमने बात की तो उनका कहना था कि आज रविवार था, सभी सोए हुए थे और उसी दौरान अचानक जो है बाहर से उन्हें आवाज़ें सुनाई देने लगी, क्योंकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने नाले को उफनते हुए देखा था और इसी की वजह से उसके बाद लोगों ने आवाज़ लगाई, जिसके बाद परिवार के अंदर रहने वाले सभी लोग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे बाहर निकल कर दूसरी तरफ भागे, क्योंकि इतना समय नहीं था कि सामान को बचाया जाता। और यही वजह है कि जब तक घर पूरी तरह से भरभरा कर नाले में समा गया, उससे ठीक पहले ही 5 मिनट पहले ही परिवार के सभी सदस्य बाहर निकल गए थे और उसके बाद उनका जो सामान था, चाहे वो फ्रिज, कूलर, TV, वो सब इस पानी में बहता हुआ दिखाई दिया था। कई सारी जो चीज़ें थी यहाँ पर, जैसे वॉशिंग मशीन है, उसको भी हमने इसी नाले के पानी से जो सड़क पर आ गया था उसमें बहते हुए देखा। लगभग 10 से ज़्यादा जो है बताया जा रहा है कि झुग्गियाँ जो है चपेट में है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसका आंकड़ा ज़्यादा बताया। हालांकि विभागीय अगर यहाँ पर जाँच हो तो शायद ज़्यादा ये आंकड़ा आएगा बहने का, लेकिन मैं अभी भी दिखाना चाहूँगा अर्पिता उस जगह का, वो ये कॉलोनी के बाहर के लोग हैं, देखिए ये सब किस तरह से महिलाएँ आ रही हैं, इतना पानी भरा हुआ है और सुबह से यही हालात अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, विभाग की तरफ से कोई ऐसा यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिया जो पंपिंग सेट लेकर इस पानी को दूर दराज की तरफ कहीं पर निकाले। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर अपने आसपास के इलाके में रहते हैं और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और यही वजह है कि कई लोग बेघर हुए हैं। लगभग 50 से ज़्यादा लोग हैं जो अपना घर यहाँ पर डूबते हुए देखकर बाहर निकल के आए थे, लेकिन अभी तक ये आंकड़ा साफ नहीं हो पाया कि कितने घर यहाँ पर हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि 10 से ज़्यादा घर हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात थे, जिस तरह का नाला बह रहा था, उसके बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि राजधानी दिल्ली में भी इस तरह के हालात होंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग दूसरे ज़िलों में या बिहार या फिर दूसरे राज्यों में इस तरह की घटनाएँ देखते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में जहाँ पर इंतजाम हमेशा व्यापक कहे जाते हैं, चाहे वो MCD की तरफ से हो या सरकारों की तरफ से, लेकिन जो हालात हैं वो वाकई में बहुत डरावने हैं, क्योंकि ज्यादा देर की बारिश अगर होती तो शायद इससे भी खतरनाक हालात हो। बिल्कुल दीपक, रही आप हमारे साथ। वहीं दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज में पानी में से एक शव मिला है। सुबह से हो रही बारिश की वजह से यहां पर पानी भर गया। इस दौरान एक छोटा टेम्पो इस पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि मरने वाला इसी गाड़ी का ड्राइवर था। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा ही नहीं लगा और जब गाड़ी पानी में डूबने लगी तो वो निकल नहीं सका। मरने वाले का नाम कुंदन सिंह बताया जा रहा है। वही है,
वहीं पर खड़े हैं, उसी के पास है। हम ऊपर ट्रैक पर ड्यूटी कर रहे थे तो हमने देखा कि नीचे पानी में डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, तो हम तुरंत नीचे आए, नीचे आके पानी में तैर के डेड बॉडी को बाहर निकाला। कहाँ से निकाला? बस से निकाला? नहीं, बस के आगे थी, बस के आगे थी। अच्छा। हमने ऊपर से दिखाई दिया पुलिया से, तो नीचे देखा कि डेड बॉडी दिखाई दे रही है। हम तुरंत नीचे आए, कपड़ा उतारे और तुरंत तैर के बाहर निकाला। सर, हम लोग ड्राइवर हैं, एक साथ काम करते हैं। 8 बजे करीब में मैं आया, फिर मैं मालिक का कोलाया, बैठे जाके देखूंगा गाड़ी डूब गई अपनी। आपके पास काम करते हैं? तो फिर मैं आके देखा, 3-4 ड्राइवर हम आए थे, तो उसको ढूंढा ढांडा तो मिले नहीं। जो बस वाला ड्राइवर था उन्होंने बताया यहाँ पे एक डेड बॉडी तैर रही है, जाके देखो। तो हम 2-3 ड्राइवर आए, तो एक टी शर्ट थे और उसकी खोपड़ी से पहचान करे, एक चप्पल थी उससे पहचान कर लिया, हाँ ड्राइवर हमारा ही है। वहीं पर खड़े हैं। दो तस्वीरें, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही वो टेम्पो जिसमें बताया जा रहा है वो शख्स मौजूद था। पानी का अंदाजा वो नहीं लगा पाया और ऐसे में जब गाड़ी डूबने लगी तो उससे निकल पाना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाया, और बताया जा रहा है पानी में डूबने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक बस भी वहाँ डूबी हुई सी नज़र आ रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि वहाँ बस में जो लोग सवार थे वो छत पर खड़े हो गए, जिसके बाद जब टीम बचाने के लिए वहाँ पहुँची तो उन्होंने 2 लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली का ये हाल है, कई जगहों पर पानी भर गया है, कई जगहों पर जो गाड़ियां हैं वो डूबी नजर आ रही हैं और हादसे तक हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह का हादसा मिंटो ब्रिज पर हुआ वो वाकई चिंताजनक है और बड़े सवाल खड़े करता है जो संस्थाएं हैं। अभी हम मिंटो ब्रिज की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं अर्पिता, तो पानी अब पूरी तरह से यहाँ हट चुका है। जो यहाँ पर वाहन फंसे हुए थे उनको अब यहाँ से हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगी एक ऑटो भी फंसा हुआ था, उसको धक्का मार के आगे की तरफ निकाला जा रहा है, और जो छोटा टेम्पो जिसका ड्राइवर बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है उसको भी यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा टेम्पो के जरिए टो करके उसको आगे ले जाया जाएगा। 4 वाहन यहाँ पर हमें दिखाई दिए थे जो यहाँ पर फंसे थे, DTC ऑटो और छोटा टेम्पो जिसे हम आम भाषा में छोटा हाथी कहते हैं, उसका ड्राइवर जिसकी मौत हुई, और एक बोलेरो गाड़ी थी, ओपन बोलेरो, वो यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही थी। और जो ड्राइवर जिसकी मौत हुई है वो उस छोटे टेम्पो का ड्राइवर था जो आप तस्वीरों में अभी देख रहे होंगे। ये जो गाड़ी थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से कनॉट प्लेस की तरफ जा रही थी, लेकिन बीच में ही फंस गई और डूबने से इसका जो चालक है उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर अभी हटा लिया गया है, और देखिए MCD की तरफ से यहाँ पर एक सक्शन मशीन अभी पहुँची है, कुछ पानी जो नाले से निकला है और कुछ इस सक्शन मशीन ने भी अभी थोड़ी देर पहले पानी को खींचा है, तो फिलहाल ये साफ हो गया। लेकिन बड़े सवाल यही है कि थोड़ी देर की बारिश में ही जो व्यवस्था है उसकी पोल खुल गई और साल दर साल दशकों से इसी तरह जो मिंटो ब्रिज था वो आज भी डूबा और एक शख्स की दर्दनाक यहाँ पर आज मौत हुई है। जी बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें जावेद, एक जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जहाँ से फिलहाल अब पानी जो है वो निकाल लिया गया है, लेकिन वही दूसरी तस्वीर सुबह 8 बजे की ये तस्वीर है जब यहाँ बस जो है आप देखिए आधी से ज़्यादा डूबी नजर आई। इसी जगह पर एक हादसा होता है, ये जो सफ़ेद कलर की आपको टेम्पो जिसका थोड़ा ही हिस्सा आपको पानी से बाहर निकला हुआ दिख रहा होगा, इसी टेम्पो में दरअसल एक शख्स पानी का अंदाज़ा नहीं लगा पाता है और इस बीच वो आता है, खुद को वो निकाल नहीं पाता और ये बताया जाता है कि पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो अब ये जो बारिश हुई है वो जानलेवा भी हो गई और एक शख्स की हादसे की वजह से जान भी चली गई, और ऐसे में सवाल अब उठ रहे हैं दिल्ली सरकार पर, MCD पर। तमाम दावे और वादे ज़रूर बारिश के पहले किए जा रहे थे, लेकिन मानसून की ये पहली बारिश 2-4 घंटे की ही बारिश रही, और उस बारिश में देखिए ज़रा आलम कुछ ऐसा है कि एक हादसा सामने आया, गाड़ियां वहां पर ठप पड़ गई, बस में भी हालांकि 2 लोग उस वक्त फंसे हुए थे, वो तो गनीमत रही कि टीम वहां पर पहुंच गई और उन 2 लोगों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन किस्मत का धनी वो टेम्पो चालक नहीं रहा जिस तक मदद वक्त तक नहीं पहुंच पाई और आखिरकार उसकी जान चली गई। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के
मेयर जयप्रकाश ने आरोप लगाया है कि बरसात की वजह से दिल्ली में आज हुई मौत के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। सड़क पीडब्ल्यूडी और नाले की सफाई का काम जल बोर्ड का था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। सर, आज एक मौत हुई है यहाँ डूबने से। मिंटो ब्रिज का हाल आप देख रहे हैं, आपके पीछे एक बस डूबी हुई है, छोटा टेम्पो डूबे हुए हैं। किसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए? जिम्मेदारी दिल्ली में दिल्ली सरकार की है। नगर निगम सहयोगी के तौर पर उनका काम करती है। ये पूरी सड़क, ये पूरे नाले पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अंडर आते हैं। आज से 24 दिन पहले मैंने सिविक सेंटर में सभी एजेंसियों की मीटिंग बुलाई थी, सभी से बात की थी और सबको वो पॉइंट बताए थे जहाँ जहाँ जल भरा होता है। पीडब्ल्यूडी ने हमारे को कहा कि हमारा काम पूरा है, हम पानी नहीं भरने देंगे। लेकिन आज पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड की गैर जिम्मेदार रवैये के कारण से यहाँ जल भरा हुआ, बस डूबी और एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में जो जल प्रलय हुआ उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी बनी। 10 मकान, ये अन्ना कॉलोनी बताया जा रहा है आईटीओ के पास, और यहाँ पर नाला जो है वो देखिए उफान पर आया। बहाव इतना तेज हो गया कि इस बहाव में 10 मकान एक के बाद एक इस नाले के साथ बहते नजर आए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि आसपास के जो लोग थे उन्होंने आवाज देकर घर में रह रहे लोगों को जागरूक किया और वो वक्त रहते घर से बाहर आ गए। उनका ये कहना है कि उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था कि वो घर के कुछ सामान भी खुद के पास रख पाएं। ऐसे में अब उनके पास रहने और खाने की समस्या खड़ी हो गई है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका उन परिवार वालों से भी उनकी बात हुई जिनके मकान जो हैं वो ऐसे नाली के साथ बहते हुए नजर आए थे। दीपक, फिलहाल लोग जो हैं उनका क्या कहना है? क्या जर्जर अवस्था में इनके मकान थे? किसी तरीके की चेतावनी इनको पहले दी गई थी? देखिए अर्पिता, इस तरह की कोई चेतावनी उनको नहीं दी गई थी, क्योंकि कभी भी इस तरह के इंतजाम जो है जब उनका खुलासा तब होता है जब बारिश हो जाती है, और यहाँ पर भी इसी तरह का हुआ। क्योंकि उफनता नाला इतना खतरनाक और रौद्र रूप ले लेगा, इसके बारे में ना किसी को पता था ना अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। यहाँ पर जब जिस वक्त सुबह ये घटनाक्रम हुआ, पूरा हादसा हुआ, उस वक्त इलाके के लोगों ने जिनका वो घर था उन्होंने खुद हमें ये बताया कि कम से कम 30 से 40 साल पुराने ये घर थे जो झुग्गी नुमा थे, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे। 15 परिवार इसी घर के अंदर रहते थे। जो गुलाबी रंग का ये पूरा घर गिरा है, उसके साथ साथ ही कम से कम 10 से ज़्यादा परिवारों के जो घर हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पूरी तरह से उस नाले में समाये हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारी गलती यहाँ पर है। क्या वो गलत जगह पर बने थे या फिर नाले का पानी जो अचानक बढ़ा है वो कहाँ से बढ़ा है? मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा जो नाले में, अगर सफाई की बात करें तो ये पानी आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर 4 फीट से ज़्यादा पानी है और इसकी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ से लेकर पूरा लगभग आधा किलोमीटर तक आपको सारे सरकारी जो दफ्तर है वो यहाँ पर डूबे हुए नजर आएंगे, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर ना पंपिंग सेट दिखाई दे रहा है ना ही कोई विभागीय अधिकारी हमें दिखाई दिया है। 3 घंटे से ज़्यादा हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हो गया, लेकिन हमें कोई अधिकारी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो इस पानी को बाहर करे या उन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बैरिकेड करके इस ट्रैफिक को रोक जरूर दिया गया है। क्योंकि यहाँ से अमूमन आईटीओ की तरफ, सरायकालेखा से अगर आप आईटीओ आते हैं तो उस रूट में ये ठीक जगह पड़ती है, डब्ल्यूएचओ का दफ्तर है। उसके लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, जो अन्ना कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, उनका ये आरोप था कि डब्ल्यूएचओ की पार्किंग बन रही है उसकी वजह से ये पानी का कटाव हुआ और अचानक पानी यहाँ पर तेज आया है। जिस तरह से ये घर बहा है उसी तरह से कई और घर भी यहाँ पर उसी तेज नाले की रफ्तार से जो पानी बह रहा था उसमें बहे हैं, क्योंकि लोगों ने, अगर आसपास के पड़ोसियों ने लोगों को सचेत नहीं किया होता तो शायद कई लोग इसमें बहते। कुछ लोग लड़के वहाँ पर दबे भी थे लेकिन अचानक उन्हें आसपास के लोगों ने निकाल लिया था। उन्होंने यही कहा कि वो अचानक वो सोए हुए थे, क्योंकि रविवार का दिन है, लोग अपने काम पर नहीं निकलते और वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था। लोगों ने सोचा था कि देर तक उठेंगे लेकिन अचानक तेज आवाज़ के साथ पानी बहने लगा और उसके बाद लोगों ने बमुश्किल जान बचाई है। बड़ा हादसा होते हुए बचा, लेकिन वो घर है, कई घर ऐसे चपेट में आए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 30 से 40 साल पुराने घर हैं, लेकिन जिस तरह के हालात थे, जिस तरह का ये पूरा खौफनाक मंजर था सुबह वहां के लोगों का, वो काफी डरावना था। जी। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 2 घंटे में दिल्ली की हालत हुई क्या। वजीरपुर दिल्ली, आईटीओ, मिंटो रोड, कीर्ति नगर और
नोएडा की ये तस्वीरें, जहां पर पानी भर गया उस वक्त जब यहां बारिश हुई। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, जिसके बाद कई जगहों पर जो पानी है वो ऐसे ही भर गया, जिसके कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वहीं मिंटो रोड में सबसे दुखद एक खबर सामने आई, जहां पर एक हादसा हुआ। एक टेम्पो चालक की पानी में डूबने से मौत हुई है। एक बस भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, जो देखते ही देखते पानी में डूबती सी नजर आई। पहले उसके केवल पहिए जो थे वो डूबे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ा और ये बस जो है वो आधी से ज़्यादा डूबी नजर आई। बस में दो लोग बैठे हुए थे। राहत की टीम जो वहाँ पर पहुँची, वक्त रहते उन्होंने उन दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। तो ये दो तस्वीरें मिंटो रोड की, जहां पर ये बस आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि बस की छत पर ही लोग खड़े होकर मदद का इंतज़ार करते हुए भी नज़र आए थे। वहीं पानी में जो बस है वो आपको देखिए, सुबह की भी तस्वीरें जहां पर बस जो है वो डूबी हुई से नज़र आ रही है, और सुबह बारिश भी खूब हो रही थी। ऐसे में लोगों तक मदद पहुँचाने में भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोती नगर की तस्वीर देखिए, वहाँ पर लोग जो हैं वो आधे पानी में डूबे हुए वहाँ से गुजरने को मजबूर हैं। प्रहलादपुर की तस्वीर आप देखिए, लोग जो हैं वो पानी में डूबे हुए से दिख रहे हैं। जंतर मंतर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, वाहन वहाँ से जो गुजर रहे हैं वो आधे डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। कुछ देर की बारिश, मानसून की पहली बारिश के बाद स्थिति कुछ ऐसी हुई है। पानी में गाड़ियां जो हैं वो ऐसा नहीं लग रहा है कि चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब पानी में ये गाड़ियां तैरती हुई गुजर रही हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की, दो घंटे यहाँ झमाझम बारिश हुई और उसके बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि लोगों को पानी के बीच से ही आधे डूब कर गुजरना पड़ा। महज चंद मिनटों की बारिश ने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया। रुक रुक कर हो रही बरसात अब दिल्ली के लोगों के लिए समस्या बनती जा रही है। साउथ ईस्ट दिल्ली के पुल रेलवे अंडरपास के नीचे बारिश के बाद 5 से 6 फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से बदरपुर से प्रहलादपुर और प्रहलादपुर की तरफ से बदरपुर तरफ की यातायात बाधित हो गया। यहाँ आपको तस्वीरों में एक शख्स नजर आएगा और देखिए किस तरीके से पानी के बीच में फंसा हुआ। तो अंडरपास में पानी आप देखिए, कमर तक पानी यहां पर भर चुका था। दो घंटे की बारिश के बाद स्थिति ये हुई। कई जगहों पर लोग ऐसे ही पानी के बीच में फंस गए और अब समझ नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहां। पिछले कुछ समय से हो रही बरसात ने असम के बंगाई गांव में बाढ़ से कोहराम मचा दिया है। तेज बरसात और चारों तरफ पानी ही पानी होने की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गांव में सड़कें, खेत सब पानी से डूबे नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। बाढ़ की वजह से दर्जनों गाँव और सैकड़ों हेक्टेयर खेत पानी में डूब गए हैं। वहीं ये तस्वीर असम के घुबड़ी की जिले की है, जहां कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पहुंच गया है और ऊपरी असम में आई बाढ़ का असर अब लगभग 800 किलोमीटर दूर निचले असम के घुबड़ी जिले तक नजर आने लगा है। घुबड़ी जिले के कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गए। बाढ़ का कहर ऐसा है कि ये गाँव किसी नदी के द्वीप की तरह से नजर आ रहे हैं। पानी से घिरे गाँवों तक पहुँचने के लिए नाव के लिए अलावा कोई साधन अब लोगों के पास नहीं है।
मौसम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ऐसे में क्या इंसान, क्या मवेशी, सब यहां परेशान हैं। लोग नाव की सहायता से सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जहां तक वो जा रहे हैं पानी ही पानी नजर आ रहा है। अभी जो हम लोग खड़े हैं यह असम के धुबरी जिले के, पश्चिम असम के धुबरी जिले के, यह हम फुलीमारी ग्राम पंचायत एरिया में खड़ा है, जहाँ पे आप देखिए जो घर है, अभी ये कोई रिवर के अंदर ये घर है नहीं, लेकिन अभी जो रास्ते है उसके ऊपर इतने सारे पानी आ गए हैं, जितने सारे लोग हैं सब घर पे अभी अटके हुए हैं ये लोग। और यहाँ से इनको थोड़ा बहुत जो रेस्क्यू किया गया है, कुछ लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया जो ज़्यादा बुरी दिक्कत में थे, लेकिन और जो लोग हैं इन लोगों को सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ रिलीफ वगैरह मुहैया किया जा रहा है। इनके खाने के लिए चावल दाल वगैरह दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी भी इन लोगों को पिछले जो एक सप्ताह से ये लोग फंसे हुए हैं, एक बार ही इसको रिलीफ मिले हैं। ये लोगों का मांग है, लोगों की मांग है कि इन लोगों को दोबारा से इनके खाने पीने का सामान वगैरह मुहैया किया जाए। मेनली यहाँ का जो प्रॉब्लम है, जो यहाँ के जो डोमेस्टिक एनिमल है उन लोगों का बहुत प्रॉब्लम है, उसका खाने का दिक्कत है, और जो पीने का पानी के लोगों का, जो पीने का पानी का बहुत सारे दिक्कत है। ये हम अभी आपको ये दिखा रहे हैं, ये है पश्चिम असम के जो भारत बांग्लादेश सीमावर्ती सटे हुए जगह है, इस जगह का ये हाल है। आप कैमरा में जो दृश्य देखे है ये बाढ़ के अभी बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि असम की जो बाढ़ है, जो अपर असम में फ्लड आते हैं, अपर असम से लोअर असम फ्लड आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र या लगभग 800 किलोमीटर लॉन्ग है। असम के अपर असम के फ्लड के दो दिन बाद ही, तीन दिन बाद ही लोअर असम में फ्लड आता है, और लोअर असम से ये पानी अभी निकल के बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं असम नौगांव जिला भी आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है, लोग या तो अपने घरों में ही फंस गए हैं या फिर बल्लियों और पटरों के सहारे जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। नगांव जिले में बाढ़ में फंसे इन लोगों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि ना उनके पास खाने का कुछ सामान है और ना बाहर जाने का कोई साधन, और ऊपर से इन लोगों के पास अब तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद भी अभी तक नहीं पहुंची है। लोग अपने ही स्तर से बचने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने न सिर्फ रहने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत भी खड़ी हो गई है। हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट के, और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ के कारण अभी दिखा जा रहा है कि नौगांव की बोरकोला, सीख विलेज हो या दक्षिण पात, कामपुरी, ये सब जगहों में दिखा जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी हम कैमरा पर्सन हेमंत दिखा रहे हैं तस्वीरें, जितने भी लोग हैं वो लोग आके अभी रिलीफ कैंप पे शेल्टर ले रहे हैं, और जो अभी दिखा जा रहा है कि कोपिली और निसारी नदी के कारण नौगांव जिले की बहुत सारी जगहों पे काम अभी देखा जा रहा है, बाढ़ में बहुत नुकसान हुआ है, किसानों की बहुत नुकसान है, किसानों के खेत की पूरी तरह से नुकसान हुआ है, और दिखा जा रहा है कि 2060 की बात, ये बहुत भयंकर बाढ़ आया है यहाँ। वहीं असम के 33 में से 25 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि करीब 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बाढ़ और बारिश की वजह से असम के 25 जिलों के 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के मोरीगांव में कई गांव प्रभावित हुए हैं। हालात ये हैं कि हर तरफ बाढ़ का पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कई जगहों पर रास्ते पानी में बह गए और लोगों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। गांवों में पानी गर्दन तक पहुंच गया, जिसमें डूब कर लोग चलने को मजबूर दिखे। खेत, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। गांवों में पानी ऐसा बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी भरने के बाद गांव टापू बनने नजर आए। कई जगहों पर मकान पूरी तरह बाढ़ में डूबे दिखे। तो 25 जिले जो हैं बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। लोग नावों की सहायता से इलाके को पार करते हुए नजर आए। आशियाना उनका उजड़ चुका है, खाने को अब कुछ बचा नहीं है, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद अभी तक उन तक पहुंची नहीं है।
वहीं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ने से वहां अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि बारिश रुकने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से नीचे आ गया, लेकिन अभी भी वहां हालात लोगों की परेशानी बढ़ाने वाले बने हुए हैं। असम के 25 जिले इस समय बाढ़ से बेहाल हैं और बाढ़ की वजह से 75 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। बाढ़ से गुवाहाटी बेहाल हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर होने की वजह से स्थिति ये है कि दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। जो मकान यहाँ पर मौजूद थे वो सब पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। लोगों ने सुरक्षित जगह पर अपना ठिकाना बनाया है, लेकिन वो कब तक सुरक्षित रहेंगे ये डर भी उन्हें सता रहा है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में खतरा भी उन लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। वहीं असम के गोलाघाट के में कांजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से वहां इस साल अब तक करीब 86 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि राहत और बचाव के काम में लगी टीमों ने 170 से ज़्यादा जानवरों की जान बचाई। कांजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आया। जहां भी नज़र गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आया। बाढ़ की वजह से कांजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों तक खाना पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 86 जानवरों की मौत हुई, जिसमें 5 गैंडे भी शामिल हैं। नेशनल पार्क के अंदर जानवर गर्दन तक पानी में डूबे नजर आए। वहीं जानवरों के झुंड ऊंचे इलाके में जाते दिखाई दिए। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो क्या इंसान ये जानवर जो बोल के अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, ये भी बेहद परेशान हैं। पानी भर जाने की वजह से इनके रहने के लिए दिक्कतें हैं। हालांकि ऊंची जगह पर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। कई जगहों पर तो ऐसी तस्वीर भी आई जहां पर ये जानवर जो हैं वो सड़कों पर आ गए, रिहायशी इलाकों में पहुँच गए अपनी जान बचाने के लिए। तो असम की बाढ़ में ये जानवर भी बेहाल हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं। कई जानवरों की मौत की खबर भी आई है। बाढ़ की वजह से ये जानवर अब बेहद परेशान। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। असम के 25 जिलों में बाढ़ से 80 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ने की वजह से गांव के गांव पानी में डूब गए। असम के सोनितपुर में बाढ़ में घिरे गांव टापू बन गए। जहां तक नजर गई पानी ही पानी दिखा। बाढ़ के पानी में फंसे लोग बेहद परेशान नजर आए। बाढ़ की वजह से इलाके के लोगों के सामने खाने पीने की परेशानी बढ़ गई। वहीं खेतों में पानी भरने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ। असम की बाढ़ की स्थिति अभी भी नाजुक है। असम की कई जिले अभी भी ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के चपेट में हैं। लाखों की संख्या में लोग अभी भी बेघर हो चुके हैं। कई गांव अभी भी बाढ़ के प्रभावित में है। और मैं दिखाना चाहूँगा असम की सोनितपुर जिले की बाढ़ की तस्वीरें। सोनितपुर जिले के कई गाँव बाढ़ के प्रभावित है और सोनितपुर ज़िले की 33,000 करीब लोग बाढ़ के चपेट में है। कोई लोग बेघर हो चुके हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरें, बाढ़ के तस्वीरें ये है असम के सोनितपुर ज़िले की बाढ़ के तस्वीरें। इस तरह से कोई गांव सोनितपुर ज़िले के इस तरह से बाढ़ के चपेट में है। लोग बेघर हो चुके हैं। ये देखिए आप, खेत इस तरह से नष्ट हुए, बर्बाद हो चुके हैं। और लोग अभी भी वो जो आश्रय शिविर है, रिलीफ कैंप है, उसमें रह रहे हैं। ये है असम की सोनितपुर ज़िले की बाढ़ की तस्वीरें। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने
असम की मुश्किलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवेदना जताने को लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में सर्बानंद सोनोवाल ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह ही असम की बाढ़, कोरोना की महामारी और बागजन तेल के कुएं में लगी भीषण आग के ताजा हालात के बारे में फोन पर जानकारी हासिल की। पीएम मोदी ने इन घटनाओं को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि राहत कार्य के लिए राज्य सरकार की भरपूर मदद की जाएगी। पीएम मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। 5 अगस्त को पूर्णिमा के दिन ही मंदिर पीएम मोदी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में विकास के कामों का जायजा भी लेंगे। पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अयोध्या जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। राम मंदिर न्यास ने शुभ मुहूर्त देखकर मंदिर के भूमि पूजन की तारीख दी थी। राम मंदिर के मॉडल में बदलाव किया गया, अब पहले से भी भव्य मंदिर बनेगा। राम मंदिर की प्रस्तावित ऊंचाई 147 फीट से बढ़ाकर 161 फीट करने का फैसला हुआ। राम मंदिर में अब 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। राम मंदिर की नींव 40 मीटर गहराई तक खोदी जाएगी। मंदिर की नींव डालने के लिए L&T कंपनी मिट्टी की जांच कर रही है। सोमनाथ मंदिर बनाने वाला सोमपुरा परिवार मंदिर के पत्थर की नक्काशी करेगा। 32 से 34 महीने में राम मंदिर के निर्माण का अनुमान लगाया गया। अयोध्या का राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा, 10 करोड़ परिवारों ने मंदिर निर्माण के लिए पैसे जुटाए। हिंदू सभा ने मंदिर कार्यक्रम में राष्ट्रपति भी आमंत्रित करने की अपील की। मुस्लिम धर्म गुरु यासूब अब्बास ने कोरोना की मदद से मंदिर कार्यक्रम आगे बढ़ाने की सलाह दी। बीजेपी नेता विनय कटियार ने मंदिर भूमि पूजन की तारीख तय होने पर खुशी जताई। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा, मंदिर निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए। अब तस्वीर उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं। पीपलकोटी इलाके में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसक गई, जिसकी वजह से वहां सड़क पर मलबा गिर गया। इस दौरान कई बार रुक रुक कर पहाड़ से पत्थर गिरते दिखाई दिए। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ काफी तेजी से गिरते दिखाई दिए। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। सड़क पर मलबा गिरने से गाड़ियों को पहले से ही रोक दिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगा, जिसके कारण मुश्किलें बढ़ी। हालांकि भारी बारिश ने जमकर वहां तबाही भी मचाई। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे की तरफ गिरा। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से घरों में मलबा भरा है। मलबा गिरने से लोगों में दहशत भी इस वक्त मची हुई है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे की तरफ गिरा और आसपास के इलाकों में भरता चला गया। पानी के साथ बह रहे मलबे को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। पानी के साथ गिर रहा मलबा जहां से भी गुजरा, वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गई। मकानों में भी मलबा भर गया, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। यहाँ बरसात की वजह से घरों में दरार तक पड़ गई। भारी बारिश की वजह से नदियाँ और बरसाती नाले भी उफान पर आ गए, जिसकी वजह से कई जगहों पर कटान हो गई, जबकि कई जगहों पर रास्ते बह गए। मलबा गिरने की वजह से वहाँ कई जगहों पर रास्ते भी बंद हो गए। उत्तराखंड पिथौरागढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुनस्यारी में भारी बारिश की वजह से
घरों में भी मलबा भर चुका है। मलबा गिरने से लोगों में दहशत भी इस वक्त है। अपने मे फोर्स के साथ में रात से ही जो है हम लोग लगे हुए हैं और एक प्राइवेट जेसीबी भी हायर करी गई है रात ही, उसको काम दिया गया है कि जो जहाँ जहाँ सड़कें ब्रेक हुई हैं मलबा आने से उनको खुलवाया जा रहा है। जिसे सूचना मिल रही है हम लोग वहाँ जा रहे हैं तुरंत और कार्रवाई करी जा रही है। जैसे जैसे हमें सूचना प्राप्त हो रही है वैसे वैसे हम इसमें कार्य प्रगति ला रहे हैं और समस्या का समाधान करने कर रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से वहां नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से एक कार पानी के बहाव में फंसकर बहती चली गई। कार में कोई सवार नहीं था, लेकिन कार कहां से बहते हुए आई इसका पता नहीं लग पाया। पानी में बहकर आई कार वहां एक जगह मलबे में फंस गई, जिसके आसपास से काफी पानी बहाव में बहता दिखाई दिया। उत्तराखंड के चंपावत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है। पानी के तेज बहाव में कार जो है वो बहती हुई नजर आई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश की वजह से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। भारी बारिश की वजह से वहां मकानों में पानी भर गया, जिसके बाद घरों के अंदर रखे सामान जो है वो पानी में तैरते नजर आए। वहीं कुछ जगहों से पानी ऐसे गिर रहा था मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। ये भी बताया गया कि मुनस्यारी में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। तो पिथौरागढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी बारिश के बाद स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, पूरा बेहाल हो गया है पिथौरागढ़। मकानों के अंदर पानी भरने से जो सामान है वो पानी में तैरते हुए नजर आए। घर में रखा सारा सामान पानी की वजह से बर्बाद हो गया। लोगों के सामने अब खाने की समस्या और रहने की समस्या खड़ी हो गई है। बिहार के छपरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, गंडक नदी का पानी बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। हालात ये हैं कि वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से गांव टापू बन गए। हर तरफ पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं गाँव के गाँव पानी में डूब गए, कई इलाकों से संपर्क कट गया, जिसकी वजह से लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। वहीं बिहार के कई इलाकों में नेपाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। दरभंगा में बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालात ये हो गए कि वहां कई गांव टापू से दिखने लग गए हैं, कई मकानों के अंदर पानी भर चुका है, स्कूल घर खेत सब पानी में डूबे नजर आए। हालात ये हो गए कि लोगों के सामने अब खाने पीने की समस्या और कहाँ रहें ये समस्या गहराने लग गई है। जबकि पानी बढ़ने की वजह से कई गांवों के लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। हालात ये हैं कि कहीं भी आने जाने के लिए सिर्फ नावों का ही सहारा बचा है। इस दौरान परेशान लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार के दरभंगा की तस्वीर देख रहे हैं, बाढ़ की वजह से वहां दो जगहों पर तटबंध टूट गए, इससे कई गांवों में पानी भर गया। गांवों में पानी भरने के बाद ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया, खेत मकान सब पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी दिखाई दिया।
इस दौरान गांव के कुछ लोग गर्दन तक पानी में डूब कर चलने को मजबूर दिखे। वही खेतों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तटबंध टूटने के बाद स्थिति कुछ ऐसी हो गई, लोग बेहाल हो गए। अपना हाई भी